यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी और साथ ही उन्होंने अखिलेश और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नीचे से जो रेस्पॉन्स है और हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, इसमें बड़े अंतर से सभी सीटें एनडीए जीतने जा रहे हैं। सर, लेकिन ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि त्योहारों के सीजन में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि जनता का तेल निकल गया। अब अखिलेश यादव जी जो उनकी सरकार के समय किस प्रकार से तीज त्यौहार और हमारे आस्था से जुड़े विषयों को प्रतिबंधित करते थे। कांग्रेस पार्टी को पहले 2 सीटें दी जाती हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर भी उपचुनाव में चुनावी मैदान में नहीं है। क्या लग रहा है ये सपा और कांग्रेस के बीच क्या चल रहा है? कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है ये सब पूरा प्रदेश और देश जानता है। लोकसभा चुनावों में भी जो परिणाम आए और जो उन्हें सीटें मिली हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन से मिली है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की जंग जारी है। गठबंधन को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जहां आमने सामने हैं तो वही मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद का कहना है कि विपक्ष गठबंधन टूटने की अफवाह फैला रहा है। संजय निषाद का कहना है कि जीत जरूरी है, सीट नहीं। हम बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे। बीजेपी ने निषादों के आरक्षण समेत कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गए, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि हम, मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रही और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी अगर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को सीट नहीं देने पर सवाल पूछ रही है तो बताए उसने अपने सहयोगी दल के साथ क्या किया, उन्हें टिकट क्यों नहीं दी। कांग्रेस के साथ हमारी जो रणनीति है उसकी झलक इन चुनाव के साथ 2027 के चुनावों में भी दिखाई देगी। आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया? कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। 9 सीटों पर जीत के दावे के साथ उन्होंने कहा कि एसपी की साइकिल सैफई के लिए रवाना हो चुकी है। 9 सीटें भाजपा गठबंधन भारी अंतर से जीत रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल का प्रस्थान सैफई के लिए हो चुका है और 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी, 1 में राष्ट्रीय लोक दल हमारे गठबंधन के साथी के रूप में लड़ा। अच्छा, लोकसभा की तरह जो है सपा और कांग्रेस जो है एकजुट है इस चुनाव में और कांग्रेस नहीं लड़ रही चुनाव, क्या कहेंगे आप? ठीक है, थैंक यू। एकजुट होकर के लड़े, झूठ का सहारा लिए, फरेब का सहारा लिए, इसलिए लोकसभा में कुछ उनको क्षणिक सफलता मिल गई है। लेकिन अब उपचुनाव होगा या 27 का विधानसभा चुनाव होगा, चाहे सपा कांग्रेस मिलकर लड़े चाहे अलग अलग लड़े, सूपड़ा साफ होगा, कमल खिले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में कुछ लोग सिर्फ विज्ञापन के लिए हैं, जिन्हें सिर्फ बयान देने के लिए रखा गया है। ये विज्ञापन का सामान है क्योंकि सरकार ये जानती है मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं,
इसलिए उन्होंने फेस न करना पड़े इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। वो ये भी ये फेस तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए ना। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यूपी में कांग्रेस 5 उन सीट पर लड़ना चाहती थी जहां से समाजवादी पार्टी हार गई थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर अब सभी 9 सीटों पर एसपी को जिताने का काम करेगी। निश्चित तौर से 5 सीटें मांग की थी उससे मैं बिल्कुल कायम हूं, पर जो परिस्थितियां बनी प्रदेश के अंदर, जिस तरीके का जंगल राज, जिस तरीके के पूरे प्रदेश के अंदर एक दंगे का माहौल, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो अमेठी के अंदर हो चाहे वो जौनपुर में हो, पूरी तरीके से ये सब निर्णय लेते हुए ये निर्णय लिया गया देखते हुए कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और इस जंगल राज को खत्म करेंगे। मेरठ पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल के कैरियर पर बैठकर कांग्रेस सिसक रही है। कैरियर पर बैठकर के सिसक रहे हैं कि करें तो क्या करें, मतलब राष्ट्रीय पार्टी और 9 सीटों पर चुनाव, एक भी सीट लेने के उम्मीदवारी नहीं कर पाए, ये तो राजनीति में आश्चर्यचकित रिजल्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उनका है वो भाई न लड़े तो हम लोग का जबरी तरह लड़ाएंगे कांग्रेस वालों को। ये 19 में भी सरकार बना रहे थे, 22 में भी बना रहे थे, 24 में भी बना रहे थे और 27 में भी बनाने की कोशिश में हैं। न नौमन गेहूँ हुई न राधे गौने जी। उपचुनाव के दंगल में अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। अब देखना ये है कि विधानसभा की इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का स्कोर क्या रहता है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी सरकार के मंत्री और कुंदरकी विधानसभा के प्रभारी धर्मपाल सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। धर्मपाल सिंह ने कुंदरकी सीट पर जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि इस बार का चुनाव विकास बनाम विनाश है। वहीं आजम खां को स्टार प्रचारक बनाने पर समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंदरकी को 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है और ये चुनाव विकास बनाम विनाश के नाम पर है। जनता विनाश नहीं चाहती, विकास चाहती है, इसलिए वहाँ प्रत्याशी का कल नामांकन हुआ। रामवीर सिंह लोग ये विधानसभा का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे। लेकिन सर, अगर जनसंख्या के अनुपात की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम वर्ग के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, ऐसा तमाम बीजेपी नेताओं का मानना रहा है। और अगर कुंदरकी विधानसभा की बात करें तो 60% से ज्यादा मुस्लिम वर्ग वहां है, तो कैसे बीजेपी अपनी जीत की रणनीति तैयार करेगी? देखिए, इस बार परिवर्तन होगा वोटों में, क्योंकि रामवीर सिंह 10-15 हजार वोटों के अंतर से हमेशा हारते रहे और उन्हें मुस्लिम वोट भी मिला और इस बार भी मुस्लिम वोट मिलेगा। वहां सपा और बसपा के कैंडिडेट एक ही उसके हैं और इस नाते से वहां की जनता ने भी मन बनाया कि एक वर्ग को वोट देकर वहां विकास हुआ नहीं है, तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ वहां विधानसभा का चुनाव जीतने का काम कर रही है। सपा बसपा वहां मुकाबले में अब नहीं आएंगे। एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। फूलपुर में विपक्षी गठबंधन की मुश्किल बढ़ गई है। कांग्रेस के बागी सुरेश पीछे हटने को तैयार नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। गठबंधन के खिलाफ जाने पर कार्रवाई हुई है, कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फूलपुर सीट से कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने नामांकन दाखिल किया था। शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद भी उन्होंने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने गोपनीय तरीके से कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान उनके साथ कोई भी कांग्रेस नेता मौजूद नहीं था। दरअसल गठबंधन के तहत फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तफा सिद्दीकी बुधवार को नामांकन कर चुके हैं। उसके बाद सुरेश यादव का नामांकन स्थानीय स्तर पर आपसी तकरार की पुष्टि कर रहा है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सुरेश राणा को जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया। हमारे से प्रतिक्रिया है, जिन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और पार्टी के जिस तरीके से इन लोगों ने गिरवी रखा है, पार्टी सिलेंडर किया, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जनता
खुद पूरी जनता जवाब देगी। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। अच्छा ये बताइए कि इसके बाद भी आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? पार्टी हो सकता है कभी आपको जिला अध्यक्ष पद से हटाया, अगर आप चुनाव लड़ते हैं आपको पार्टी से भी निष्कासित किया जा सकता है? हमको इसके जंग में सब लड़ाई जायज है, हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। फूलपुर का आवाम, फूलपुर की जनता, वहाँ की कार्यकर्ता, बूथ स्तर से लेकर न्याय पंचायत, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं।